जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं कि इस तरीके से एक बेशर्म पूर्व विधायक की बदतमीजी की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं, और एक और तस्वीर हम उसकी सामने दिखा रहे हैं कि इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार रावत की गुंडई देखने को मिली है, जहां पर वो बिजली विभाग के अधिकारी जब बिल वसूली के लिए कैंप लगा रहे थे तो उनको देख लेने और धमकी देते हुए नजर आए। तो इस बेशर्म विधायक की तमाम करतूतें हम पहले भी दिखा चुके हैं। पूरा मामला मथुरा के गोवर्धन के गांव जतीपुरा का सामने आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर डीडी शर्मा सीधे गोवर्धन से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डीडी, किस तरह का ये पूरा मामला है, क्या जानकारी इसमें निकलकर सामने आ रही है? जी बिजली विभाग के बकाया के लिए कैंप लगाने गए थे वहाँ पे, तभी वहाँ अधिकारियों के गांव वालों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई। इसी को लेकर बसपा के पूर्व जो विधायक है राजकुमार रावत वहाँ पहुँच गए और गांव वालों के साथ अधिकारियों को धमकाने लगे। साथ ही साथ गांव वालों के साथ उन्होंने यहाँ तक धमका दिया कि अगर आज के बाद ये यहाँ पर कैंप लगाने आए तो इनको बंधक बना ले, बाकी की मैं संभाल लूंगा। तो डीडी डीडी इस पूर्व विधायक पर कई बार तमाम तरह के आरोप भी लग चुके हैं और उसके बाद भी ये गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आता। बिल्कुल, मैं बता दूं कि पहले भी कई बार देखने को मिला है कि पूर्व बसपा विधायक राजकुमार रावत सुर्खियों में रहे, पहले भी कई बार इनकी ऐसे हरकतें सामने आई, उसके बावजूद जी आज जो कि सत्ता में नहीं है उसके बावजूद भी उनकी आज खुलेआम गुंडाई देखने को मिली है। यहाँ पर शतेआम अधिकारियों को देख लेने की और उठा लेने तक की बात की जा रही है, क्योंकि बहुत लेकिन शासन प्रशासन यहाँ तक सत्ता भी रुकी नहीं है और शासन में डीडी, तो अधिकारियों के अपहरण की धमकी देने वाले इस पूर्व विधायक पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है क्या अब तक? नहीं, अभी तक जैसे ही ये वाक्या सोशल मीडिया में वायरल हुआ, ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया में जैसे लेकर लोगों के अपने अपने अलग मत है, वही अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि इन पर कोई अभी तक कोई मुकदमा दर्ज किया गया। डीडी, क्योंकि आपके क्षेत्र गोवर्धन से ये विधायक एक बार रहे हैं और एक बार चुनाव हार चुके हैं, तो क्या ये माना जाए कि चुनावी हार से खींच कर ये सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं? पैर जमा रहे हैं और जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए एक राजनीति भी हो सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जनता तरफ लुभाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। डीडी, क्योंकि आपकी उन अधिकारियों से बातचीत हुई होगी जिन विद्युत विभाग के अधिकारियों को इनकी तरफ से धमकाया गया, तो क्या उनसे कोई इस तरह की बातचीत हुई है क्या आपकी? वो क्या एक्शन लेंगे इस पर? हमने जब एनजीओ साहब से फोन पर बात की और इस मामले में जानकारी चाहिए तो एनजीओ साहब कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी मैं खेल रहा हूँ, इस बारे में अभी मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। शायद उनको विधायक जी का डर है या फिर वो कुछ भी बोल, ये तो वो भी बता सकते। डीडी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है गुंडों के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो क्या इस गुंडे के खिलाफ एक्शन लेने में सरकार कहीं ना कहीं देर करती नजर आ रही है? बिल्कुल, जबकि ये इतना बड़ा वीडियो वायरल, जो अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, वीडियो वायरल भी हो चुका है और मोदी योगी जी जो कि अभी तक आतंक पे अपना कह सकते हैं कि इतना बड़ा कठोर हथियार भी चला रहे हैं, लेकिन अभी विधायक है पूर्व विधायक इनके खिलाफ अभी कोई एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई है, तो इससे साफ साफ नजर आता है कि योगी जी भी शायद इनके सामने बहुत नजर आ रहे हैं। डीडी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो डीडी शर्मा हमारे वरिष्ठ संवाददाता गोवर्धन से हम लोगों को ये जानकारी उपलब्ध करा रहे थे कि किस तरीके से
इस विधायक की गुंडई की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं और ये एक्सक्लूसिव वीडियो समाचार 24 के पास है जिसमें विधायक बिल वसूली के लिए कैंप लगाने वाले विद्युत विभाग के कर्मचारियों को धमकी देते नजर आए। साथ ही ग्रामीणों से कहा कि अगर ये दोबारा बिल मांगने आए तो इनको बंद करके इनकी पिटाई कीजिए। तो इतने संगीन मामले पर अब तक सरकार की चुप्पी है। देखना यह होगा कि इस खबर के चलाए जाने के बाद कब जाकर ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। तो समाचार 24 इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा है कि इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार रावत की गुंडई देखने को मिली है, जो कि तमाम लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को जो बिल वसूली के लिए कैंप लगा रहे थे उनको कैंप न लगाने की धमकी दे रहा था और अगर बिल मांगा गया तो उनका अपहरण कर लिया जाएगा। ये एक संगीन मामला समाचार 24 इस एक्सक्लूसिव खबर को तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहा है।